आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सीएम योगी के 2.0 कार्यकाल में सभी मंत्रियों ने 100 दिनों का एजेंडा तय करते हुए अपने 100 दिनों का रोडमैप सीएम योगी के सामने पेश कर दिया। इसी कड़ी में योगी सरकार की आज एक बार फिर लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के मंत्री शामिल हुए। योगी सरकार की इस बैठक में कुल 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसकी जानकारी सुरेश खन्ना ने प्रेस ब्रीफिंग करके दी। बता दें कि इन प्रस्तावों में बाल लाइसेंस बदले जाएंगे, आबकारी विभाग के 2 प्रस्तावों समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्ताव है जो कि पास कर दिए गए हैं, उन पे मुहर लगी है। आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव हैं जिन पे मुहर लग गई है, लाइसेंस बदलने की, बाल लाइसेंस बदले जाएंगे, इस पे भी मुहर लगी है। तो योगी कैबिनेट की आज एक बार फिर अहम बैठक हुई, उसमें कुल 13 ऐसे प्रस्ताव थे जिन पे मुहर लगी है और उसकी जानकारी भी दे दी गई है। प्रेस ब्रीफिंग करके खुद सुरेश खन्ना ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 100 दिनों का रोडमैप तैयार करने की बात कही गई थी, जिसके लिए सभी मंत्री अपने स्तर पे काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जमीनी स्तर पे जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के 24 राजपत्रित पदों पर खिलाड़ियों की यूपी के 9 विभागों सीधी नियुक्ति की जाएगी। ये भी एक प्रस्ताव है जिसमें मुहर लगी है। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ के खिलाड़ियों को ये आसार मिलेगा। कई ऐसे प्रस्ताव है जिसमें मुहर लगी है। 2 आबकारी विभाग से संबंधित है जिनपे मुहर लगी है, पास हो गए हैं। साथ ही साथ बाल लाइसेंस भी बदले जाएंगे। हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भी प्रस्तावों पे मोहर लगी है। और ये जो अहम बैठक रही है आज, वो लोक भवन में हुई है। आपको बता दें कि 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिया, जिसके बाद सभी बड़े चेहरे आज जमीनी स्तर पे जाके जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अधीनस्थों को सख्त दिशा निर्देश दे रहे हैं, हर एक परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने विभागों में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं सभी मंत्री। जिस तरह से सभी मंत्रियों को आदेश दिया गया कि वो सभी जिलों का दौरा करेंगे और उनका हाल भी जानेंगे, इसी कड़ी में भी कई नेता दौरों पर भी नजर आए। खुद सीएम योगी अपने विभागों की भी नजर निगरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ बाकी मंत्रियों के काम पे भी नजर बनाए हुए हैं। लगातार बैठकें भी चल रही हैं। 100 दिनों का रोडमैप तैयार करके सीएम योगी के सामने पेश तो कर दिया गया है, लेकिन किस तरह से काम किया जा रहा है, किन किन चीजों पर और काम करने की जरूरत है, किसमें बदलाव की जरूरत है, हर एक चीज पे नजर रखी जा रही है। योगी सरकार 2.0 का जब से कार्यभार संभाला है सीएम योगी ने, अलग ही तरीके से, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि काफी एक्टिव मोड में नजर आते हुए काम कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो चाहे स्वास्थ्य हो, विकास हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, सभी पे निगरानी बनाए हुए हैं सरकार। नए सिरे से काम करती हुई नजर आ रही है। दूसरा कार्यकाल काफी एक्टिव नजर आ रहे सभी मंत्री। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, 13 अहम प्रस्ताव है जिनपे आज मोहर लगी, सबसे पहले इस बारे में जानकारी चाहेंगे। देखिए, यूपी कैबिनेट की एक बहुत ही अहम बैठक आज हुई है शिखा, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस कैबिनेट बैठक के जितने भी मंत्री वहां पर आए हुए थे, उन सबसे पूछताछ की कि आखिर आपका क्या काम रहा है अब तक का सरकार बनने के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों से ये पूछा कि आप अपने जिलों में गए, जिन जिलों का आपको प्रभार दिया गया है कि नहीं किया है, मंडलों की रिपोर्ट भी मांगी गई थी। और बताया जा रहा है कि करीब 6 मंत्रियों के ग्रुप ने मंडलों की रिपोर्ट भी सौंपी है कि कैसे कैसे कहां पर क्या काम चल रहा है। इसके बाद अगर बताया जाए तो जो कैबिनेट की बैठक आज की हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में करीब 13 अहम प्रस्ताव जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पास किए गए हैं। सबसे अहम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के लिए 24 राजपत्रित पदों पर खिलाड़ियों के लिए 9 विभागों में सीधी नियुक्ति की जाए, मतलब जो राजपत्रित विभाग है वहां पर जो जी
स्टेडियम के नाम इन खिलाड़ियों अधिकारी बनाने का जो रास्ता है वो लगभग साफ हो गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बीडीओ बीएस अभिभावकों में इन जो खिलाड़ी हैं इनको वहां पर जगह दी जाएगी और वहां पर इनको रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी कहा गया कि इसकी सरकार 5 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस का एमयू जो है वो भी साइन करती है, मतलब 5 ऐसे प्रमुख हवाई अड्डे हैं जिनके जिनका जो मेंटेनेंस का काम है उसके एमयू को साइन किया गया है और अब वहां पर मेंटेनेंस का काम है वो बेहतर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अब हवाई अड्डे पर सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मेंटेनेंस का जो खर्च है वो भी दिया जाएगा, मतलब जो भी हवाई अड्डों पर जितने भी मेंटेनेंस का काम होगा उसका खर्च जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा और जो 5 हवाई अड्डो आपको आज स्वीकृति मिली है जहाँ पर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा सरकार की तरफ से जो एमयू साइन हुआ है उनका जो धनराशि वो करीब 7 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय किया। ये अपने लिए एक बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से, संगीत महाविद्यालय का नाम बदल के संस्कृत महाविद्यालय किया गया है वाखंडे। और इसके अलावा अब से यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है यूनिवर्सिटी का भी दर्जा इसे दिया गया, पहले यूनिवर्सिटी का दर्जा जो वाखंडे संगीत महाविद्यालय था इसे नहीं मिला था लेकिन अब यूनिवर्सिटी का दर्जा भी इसे मिल गया है। और इसके अलावा कई और अहम अहम जो कैबिनेट की बैठक थी विनोद शाही थे उनको उनका जो कार्यकाल था वो लगभग पूरा हो गया और अब महाधिवक्ता के रूप में अजय मिश्रा को बनाया गया है, महाधिवक्ता अजय मिश्रा रहेंगे। तो ये सब कुछ ऐसे प्रमुख जो कैबिनेट के प्रस्ताव थे वो पास किए गए हैं। और एक और अहम प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से पास हुआ है वो ये है कि आने वाली जो 23 मई है इस 23 मई को सरकार की तरफ से जो बजट सत्र है वो बजट सत्र शुरू किया जाएगा। तो जो बजट सत्र पर चर्चा होने की बजट सत्र कब होगा कब नहीं होगा सरकार की तरफ से इस बार कोशिश ये है कि इस बार ये जो बजट सत्र है इसको और बेहतर करना है, इसकी बार जो बजट आया था सरकार की तरफ और बढ़ाना है, चर्चा विचार विमर्श चल रहा था और अब कहीं ना कहीं ये तारीख तय हो गई है कि आने वाली 23 मई को बजट सत्र जो है वो नितिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार योगी सरकार तत्पर नजर आ रही है, जिस तरह से 100 दिन का एजेंडा उसके बाद बैक टू बैक बैठकें कितनी मददगार साबित होंगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कैबिनेट की बैठकें लगातार सरकार की तरफ से होती आ रही है की बैठकें लगातार की तरफ से होती आ रही है हर मंगलवार को सरकार से बैठक करके नए हर दिन टीम 9 की बैठक करते हैं वो हर दिन अगर देखा जाए तो अलग अलग विभागों की समीक्षा भी उन्होंने बीते दिनों करी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जो जो जिले हैं उनके भ्रमणों पर भी निकले हुए हैं, वहां पर की योजनाओं का किस तरह से काम हो रहा है किस तरह से नहीं हो रहा उसको भी फीडबैक ले रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को धरातल पर उतार करके बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है उस पर पूरा फोकस किया जाए। और इसी कड़ी में आज उन्होंने सबसे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें मंत्रियों से फीडबैक लिया कि मंत्री अपने जिले में गए नहीं गए, उन्होंने जिले में गए तो उन्होंने क्या काम किया, खेल मंत्रियों के समूह ने रिपोर्ट भी सौंपी है कि उन्होंने किस तरह से जो जिलों में जाकर के क्या क्या बातें की या किन चीजों पर सबसे अहम फोकस किया किस तरह से वहां पर योजनाएं काम कर रही है, जनता का क्या रुख है क्योंकि 24 का चुनाव भी है और 24 देखते सारी तैयारियां। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी हद तक कारगर थी तो 24 से मुझे इसको मजबूती दिलाई जी। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। तो योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई है, फीडबैक लिया गया है सभी मंत्रियों से उनके कामों का, साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कामों को और बेहतर करने के लिए। 13 प्रस्ताव कुल ऐसे रहे जो कि काफी अहम थे, उन पर सरकार ने मुहर लगा दी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, प्रोफेसर रविकांत पे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है, जिसके बाद प्रोफेसर के द्वारा माफी मांगने को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद विद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद का भी कोई नतीजा नहीं निकला। बता दें कि मौके पर पुलिस बल मौजूद है, लगातार बात करने की कोशिश करी जा रही है लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हुए ये मामला नजर नहीं आ रहा है। प्रोफेसर रविकांत पर आरोप लगा है भावनाओं को आहत करने का, जिस तरह का उनका बयान सामने आया है
उसके बाद से ही काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं छात्र। शब्द सुनाते हैं प्रोफेसर के जो उन्होंने कहा है, जिसके बाद ये मामला गर्माता जा रहा है। क्या मांग करी, क्या स्टूडेंट्स की क्या मांग है? सामने आप सब कवर तो सारा आपने किया है सर, आपने क्या हुआ था, हुआ क्या था? आप ये विषय सब आपके संज्ञान में ही है, जिस चीज को कवर करने के लिए आप लोग हैं। वो तो स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन आपके पास भी तो मामला आया होगा। आप तो ऐसे मेरे, मेरे पास अभी मामला लिखित नहीं आया, लिखित आएगा तब पता चलेगा। तो मौखिक में क्या आया? सामने खड़े हुए हैं तो आप बोल रहे विषय को लेकर के छात्रों का आक्रोश था। विषय में एक तरीके से उन्होंने छात्रों प्रदर्शन किया, टीचर ने अपना पक्ष रखा हुआ है। ठीक है, आगे जो नियमानुसार कार्रवाई इसका हम करेंगे। और वो काशी से गुजर रहा है अपने लाओ लश्कर के साथ, तो उसमें बहुत सारे हिंदू राजा और रानिया ये सब हैं। तो जब वो काशी से गुजरते हैं तो ये होता है कि साहब हम लोग काशी से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर न सिर्फ विश्राम किया जाए बल्कि गंगा में स्नान भी किया जाए और विश्राम मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाए। वहीं पर एक कक्ष की रानी है जो गुम हो जाती है, तमाम महिलाएं स्नान करने जाती है, मंदिर में पूजा करने जाती है। उसके बाद जब ढूंढा गया तो गर्भगृह के नीचे जो स्थान है उसमें वो नग्न अवस्था में मिलती है और उसके साथ रेप वगैरह किया गया। औरंगजेब को गुस्सा आता है, वो ये कहता है कि इस तरह से जो पंडित पुजारी है ये जो काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर मंदिर होना ही नहीं चाहिए। मंदिर को तोड़ा जाता है, लेकिन वही कक्ष की रानी ये कहती है कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, मंदिर फिर से बना दिया जाए। तो जो उसका बनारस फरमान है उसमें वो लिखता है औरंगजेब, वो कहता है कि नहीं मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए वो मस्जिद को बना देता है ये उस रानी की इच्छा के अनुसार। ये उसकी कहानी है जैसे पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा। सुना किस तरह का विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं प्रोफेसर रविकांत, जिसके बाद से ही ये मामला गर्मा क्या है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा कर दिया है और इस खबर पे हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, पहले तो प्रोफेसर का एक बयान सामने आता है जिसके बाद काफी हंगामा करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बयान सामने आया है उसको आप किस नजर से देखते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत एक टीवी डिबेट में बैठे थे, जिसमें उनकी तरफ से साधु संत और धर्म को लेकर कुछ बयान दिए गए, जिसके बाद जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र थे वो इससे आक्रोशित होकर और विद्यालय प्रशासन को गुहार लगाने लगे और साथ ही साथ नारे लगाने लगे कि इनको बर्खास्त किया जाए और कुछ नए लोगों को लाया जाए जो इस जो कम्युनिस्ट विचारधारा बताकर उनका ये आरोप था कि ये धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि छात्रों का प्रदर्शन लगभग 3 घंटे चला और 3 घंटे इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे और तमाम ऐसे नारे लगाए। वहीं आपको बताएं कि मौके पर जब मामला धीरे धीरे बढ़ता गया तो मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर की बात की जाए तो उनसे बातचीत के दौरान ये निकल के आया कि बच्चों को समझा दिया गया है और वहीं रविकांत जो वहां के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से माफीनामा भी छात्र मांग रहे हैं, उस पर अड़े हुए हैं कि माफीनामा दिया जाए। वहीं रविकांत की तरफ से कहा जा रहा है जो प्रोफेसर हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत मैंने कुछ गलत नहीं कहा है और उनकी तरफ से ये दलील ली जा रही है कि कुछ किताबों को आधार बनाकर ये बयान को उन्होंने दिया और तर्क दिया है। वहीं उनकी तरफ से फेसबुक पर पोस्ट किया गया है कि अब दलितों की लिंचिंग शुरुआत हो चुकी है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन इन सब मामले पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं प्रॉक्टर बोर्ड के जो अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मामले को दोनों पक्ष को बिठा कर और दोनों का पक्ष सुनकर और खत्म कर दिया गया है और जो कॉलेज प्रशासन है वहां शांति व्यवस्था कायम रहेगी और कायम करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास किया जाएगा। जी शिखा, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु माड़ी त्रिपाठी जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं एलयू में ये जो हंगामा शुरू हुआ था कॉलेज प्रशासन द्वारा समझा बुझा के शांति व्यवस्था को कायम कर दिया गया है, लेकिन आस्था से जुड़े कभी भी ऐसे बयान आते हैं तो वो तूल पकड़ने लगते हैं और यही ऐसा मामला है जिसकी वजह से एक बार फिर अशांति फैलाने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं बयानों को, जो निजी बयान होते लोगों को, उसको
लोग काफी उससे आहत हो जाते हैं और ऐसा ही ये मामला भी सामने आया है जब प्रोफेसर ने एक डिबेट के दौरान अपने मत रखे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक किताब के आधार पर इन सब बातों को रखा है जहां और पढ़कर इन बातों को पढ़कर उन्होंने इन बातों को कहा है और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन भी किया, माफी मांगने की अपील करते हुए नजर आए। उनका कहना था छात्रों का कि प्रोफेसर को माफी मांगनी चाहिए इस अपने शब्दों के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि अपने क्षेत्र में बैठक के दौरान मुझे घेर कर मारने की कोशिश की गई। साथ ही योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी राजभर ने सवाल उठाए। आपको बता दें कि जहूराबाद के पहदरिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां से वो विधायक है और अपने विधानसभा क्षेत्र में वो भ्रमण करने निकले थे जिस दौरान ये हुआ है। मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन आर्डर को, कंट्रोल रूम, उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन आर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा तो विधायक कहाँ जाएगा। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से ओपी राजभर ने सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि विधायक ही सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब से थोड़ी देर पहले जहूराबाद पहुंचे हुए थे। जहूराबाद से वो विधायक हैं उस विधानसभा से और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मुलाकात होनी थी और इसके बाद वहां पर एक बैठक करके कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी। उसी दौरान ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब मैं बैठक कर रहा था तो उसी दौरान कुछ लोग आए हैं वहां पर लाठी डंडों से लैस होकर के मेरे साथ गाली गलौज की है, मुझे मारने की कोशिश की है। और फिर आनन फानन में ओम प्रकाश राजभर उस मौके से वहां से हटे हैं और उसके बाद उन्होंने गाड़ी में बैठकर एक बयान जारी किया है और उस बयान में साफ तौर पर उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि मैं कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहा था और उसके पहले मैं वहां पर एक बैठक कर रहा था और बैठक के दौरान ये सारी चीजें हुई हैं। इसकी शिकायत मैंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी की है। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि आने वाले एक दो दिन में हम अलग अलग जिला मुख्यालयों पर, डीएम कार्यालयों पर जितने भी सुभाषपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब प्रदर्शन भी करेंगे और इसका विरोध जताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो कैसे आम जनता सुरक्षित होगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है प्रकाश राजभर की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में विधायक सुरक्षित नहीं है और विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं और इस तरह की कई सारी अहम बातें जो हैं वो अपने बयान के जरिए ओम प्रकाश राजभर ने कही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं ओपी राजभर और आए दिन उनके जो बयान होते हैं उनको चर्चा में बनाए रखने के लिए काफी रहते हैं, लेकिन जो ये हमले का मामला सामने आया है उसको देखते हुए एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि जिस तरह से घेराव किया गया है ओपी राजभर का और उनका कहना है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है, यूपी की कानून व्यवस्था पे सरकार पे सवाल उठाते हुए नजर आए हैं ओपी राजभर। उनका कहना है कि उन्होंने सभी से शिकायत भी कर दी है लेकिन अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्यवाही होती है ये तो वक्त बताएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से दोपहर 4:15 फैसला आने वाला था। बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में करने के मामले में आजम खान सजा काट रहे हैं जिस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खान को कई मामलों में सुनवाई भी हो चुकी है और
बेल भी मिल चुकी है, लेकिन एक मामला है जिसकी वजह से वो अभी भी जेल में है, अपनी सजा काट रहे हैं। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इसी मामले पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला है, जहां जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में आजम खान अभी भी सजा काट रहे हैं। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, 4:15 इसमें फैसला आना था, क्या कुछ अपडेट है इस मामले से जुड़ी? और उनको जमानत दे दी गई है सबसे संपत्ति वाले मामले में। पर यहाँ पर अभी भी आजम खान रिहा नहीं हो पाए, क्योंकि जो एक मामला और दर्ज किया गया है जिसको अंतर्गत 467, 469, 420 और 120B के तहत एक मामला और दर्ज हुआ है, जो 2020 में दर्ज किया गया था, उसकी दोबारा सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने उसको लेकर सीतापुर जेल में आजम खान के खिलाफ वारंट भेजा है। तो जो 87 मामले में जमानत हो चुकी थी, आज 87वें मामले में जमानत हो गई है, पर एक मामला जो अभी हाल में दर्ज हुआ था 2020 में, उसके चलते अभी भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और उसका वारंट उसकी सुनवाई आगामी 19 मई को की जानी है। जी, आजम खान को हर मामले में अब रिहाई मिल चुकी है, राहत मिल चुकी है, तो क्या एक बार वो फिर पहले की तरह ही राजनीति में सक्रिय नजर आने वाले हैं? लेकिन सरकार, मैं आपको बता दूं कि जो 87 मामले में 86 मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी और एक मामले में आज जमानत हुई है। पर मैं आपको बता दूं कि एक केस 2020 में दर्ज हुआ था, जिसमें रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम पर जो स्कूल के नाम पर सर्टिफिकेट बनाकर और 3 स्कूलों को मान्यता दिलाई गई थी, उसके तहत आकाश सत्तारा से उन्होंने एक सूचना दर्ज कराई थी। उसके बाद लगातार तब्दील सीपीओ आजम खां और उनकी भाई तंजीम फातिमा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसके तहत 467, 468, 420 और 120B की तरफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके चलते वारंट पहुंचा है सीतापुर जेल में। उसके चलते अभी भी आजम खां पर रिहाई दी गई, उसकी सुनवाई 19 मई को होनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है आजम खान को, एक और मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।